प्रदेश की सुक्खू सरकार पर्यावरण और खर्चों को कम करने की दृष्टि से इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत सिरमौर जिला को भी पहला सरकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल गया है, जिसमें जिला का आरटीओ कार्यालय सफर करेगा। आज जिला में पहला सरकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आरटीओ कार्यालय नाहन में पहुंच चुका है। करीब 18 लाख रुपए की लागत से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कई मामलों में खास है। आरटीओ कार्यालय सिरमौर के कार्यवाहक आरटीओ सचिंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली इंजन संचालित गाड़ियों को हटाया जाए। पहले जब इन्हें सरकारी कार्यालयों से हटाया जाएगा, तभी लोगों को भी प्रेरित किया जा सकता है कि वह भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करें। उन्होंने बताया कि जिले को मिले इस पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी 8 साल के लिए वैलिड होगी। 8 साल तक रिप्लेसमेंट की गारंटी होगी। एक बार चार्ज करने पर ये वाहन 420 से 450 किलोमीटर तक सफर तय करती है। यदि इस वाहन में कोई निजी स्तर पर भी चार्ज करवाए तो इसे चार्ज करने में 30 यूनिट बिजली खर्च होती है। यानी 30 यूनिट का मतलब है कि 450 रुपए में ये चार्ज हो सकती है, लिहाजा इस पर 1 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज बैठता है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि फिलहाल सरकारी कार्यालयों की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकलों में तब्दील किया जाए। इसमें मंशा ये है कि जो कंबशन इंजन वाले जितनी भी गाड़ियां हैं वो हटाई जाएं, पहले सरकार से हटाई जाएं, फिर तभी हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करें। वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इसकी बैटरी भी 8 साल के लिए वैलिड होगी, 8 साल तक कोई भी इसकी सारी रिप्लेसमेंट गारंटी होगी, तो 8 साल तक गाड़ी ये एक बार चार्ज करने में 450 किलोमीटर चलती है। तो अगर हम प्राइवेट से भी रिचार्ज करवाएं तो लगभग 30 यूनिट लगते हैं इसमें, तो 30 यूनिट का मतलब है 450 रुपये। तो 450 रुपये में मेरे ख्याल 450 किलोमीटर 1 रुपये प्रति किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और सरकार की ये मंशा है कि सारी गाड़ियाँ जो है फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर की चेंज कर दी जाएंगी। डेजिग्नेटेड रूट्स हैं, अब पोंटा से नाहन के लिए या नाहन से कालाम के लिए ये डेजिग्नेटेड ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, और शिलई वाला भी ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, तो इन पे भी मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिक बसें ही चलाई जाएंगी। तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशन हम जगह जगह लगा रहे हैं, अभी ज़मीनें सेलेक्ट हो गई हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे बाहर से भी कोई गाड़ी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो भी वो चार्ज करवा सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है और वैसे भी लिथियम आयन बैटरी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एमिशन नहीं है, सिर्फ एक मोटर है, मोटर वो बैटरियों से चलती है और इसका कोई एमिशन नहीं होता इसमें, तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। पोल्यूशन के हिसाब से जैसे हमारे कालाम और पोंटा जो है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, तो इसके लिए तो और भी बेटर है। मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये टाटा नेक्सॉन की है और इसके भी एवरेज है 420 से 450 किलोमीटर एक बार रिचार्ज करने पे। तो रिचार्ज करने के लिए जो नॉर्मल चार्जर है जैसे एसी चार्जर्स है उसमें इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। जो आपका चार्जिंग स्टेशन वाला चार्जर है उससे 6 घंटे लगते हैं, जो 7.2 एसी वोल्ट वाला, और डीसी चार्जर में इसमें 40 से 50 मिनट लगेंगे। फिलहाल तो हम एसी से चार्ज करेंगे, इसको किसी भी हीटिंग पॉइंट से कनेक्शन देके हम रिचार्ज कर सकते हैं। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। महंगाई की मार पर अब होगा वार, पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning.